तो भाई फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि आप रेडमी नोट 8 और रेडमी नोट 8 प्रो फ़ोन को कैसे आसानी से आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को कैसे अपडेट कर सकते हो। तो यूजली गाइस, उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। सबसे पहले आपके फ़ोन में नेट होना चाहिए, आपके सिम कार्ड में या वाईफाई से कनेक्ट कर लो। कनेक्ट करने के बाद गाइस, आपको यहाँ पर सबसे पहले अपने फ़ोन के सेटिंग में जाना होगा। तो यहाँ पर गाइस, सेटिंग में आने के बाद आपको सबसे पहले दिखेगा अबाउट फ़ोन, उस पर टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद गाइस, आपको जैसा कि मैं जूम करके दिखा दूँ, यहाँ पे अबाउट फ़ोन पे टाइप करना है। उसके बाद आपको सिस्टम अपडेट पे टाइप कर देना है। नेट आपका ऑन होना चाहिए। यहाँ पर मान लीजिए मैंने नेट ऑन कर दिया। नेट ऑन करने के बाद यहाँ पर गाइस आपको दिखेगा चेक फॉर अपडेट, तो अगर जो आप इस पर क्लिक कर देना है। अगर जो आपके फ़ोन में अपडेट करने वाला मतलब इनेबल होगा, मतलब अपडेट करने को बाकी होगा, तो यहाँ पर डाउनलोड अपडेट करने को बोलेगा। अगर जो आपने पहले से अपडेट कर दिया होगा तो आपको अपडेट करने को नहीं बोलेगा। तो यहाँ पर गैस हमको अपडेट करने को बोल रहा है, तो यहाँ पर गैस अपडेट डाउनलोड और अपडेट पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपसे बोलेगा क्या आप वाईफाई से करना चाहते हैं या मोबाइल डाटा से। तो वाईफाई से दोस्तों थोड़ा फास्ट अपडेट होता है, मोबाइल डाटा से थोड़ा स्लो। तो यहाँ पर मैं मोबाइल डाटा से क्लिक करने वाला मतलब अपडेट करने वाला हूँ। या दोस्तों तुरंत अपडेट करना है तो डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए, या बाद में तो डाउनलोड लेटर पे क्लिक कर दीजिए। तो मुझे अभी करना तो डाउनलोड पे मैं क्लिक कर देता हूँ। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका ऊपर आप दिखा दूँ मैं, यहाँ पर आपका अपडेट होने लगेगा जैसा कि आप देख सकते हो। तो आई होप कि गाइस ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Subscribe to my channel and choose all bell icon.